उनको दुनिया ऐसे ही नहीं मानती। उन्होंने जो कार्य किए हैं पूरे विश्व के अंदर, ऐसे ऐसे उन्होंने लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसी के कारण ही जो विदेशी भी उनके सामने नतमस्तक हैं। जैसे कुछ नाम हाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे महंगा जो फ़ोन आईफोन है वो जो एप्पल कंपनी है उसके जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स जो अभी तो नहीं है, वो स्वयं केची धाम में आए थे क्योंकि बहुत परेशान थे और कई उन्होंने कारोबार करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी कारोबार में सफल नहीं हुए। तो वो केची धाम आए थे और उनको यहाँ आने के बाद में जो है उनको प्रेरणा मिली महाराज के आशीर्वाद से। और जब यहाँ से वो गए तो उनके ये भी उनको वहाँ पे क्योंकि नैनीताल है कि वहाँ पर वहाँ एप्पल बहुत होते हैं तो उनको वहाँ एप्पल दिखा, उसी एप्पल से उनको प्रेरणा हुई कि मेरे को ये काम करना है और उसी को अपना लोगो बनाया उन्होंने, यहीं से उनको ये विचार मिला था। और वो आप देखते होंगे कि एप्पल फोन के ऊपर वो आज भी वो एप्पल है और उन्होंने अपनी बुक में भी महाराज जी का जिक्र किया है कि मेरे को उनसे प्रेरणा मिली। और उन्हीं के उनको जो मेंटर मानते थे फेसबुक के जो मालिक हैं जकर मार्क जकरबर्ग, तो उनके वो भी काफ़ी परेशान थे तो उनको भी ये उनको समझ में आया कि वे स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे तो उनको उनको रास्ता मिला था जीवन में आगे बढ़ने का तो उन्होंने भी यहाँ आए। लेकिन उस समय तो महाराज जी ने तो शरीर छोड़ दिया था 1973 में, लेकिन उस समय सिद्धिमा थी यहाँ पे आश्रम में तो उनसे वो मिले और उनको उन्होंने कहा कि मेरी इस तरह की मेरी समस्या है, मैं परेशान। तो उन्होंने कहा आपको बाबा यहाँ पर हैं सूक्ष्म रूप में और हनुमान जी की मूर्ति है महाराज जी का, आप उनसे उनको अपनी परेशानी बताइए वो आपको आपको रास्ता दिखाएंगे। और उसके बाद में उनको उनको भी आशीर्वाद मिला और जब वापस वो लौट के उन्होंने अपना काम किया तो आप उसको तो आप बताने की आवश्यकता नहीं, फिर फेसबुक करते काम पहुँच गए। ऐसे और भी उनके जैसे अमेरिकन एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, वो तो इतनी ज़्यादा महाराज जी से प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो ईसाई धर्म बदल के हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ। इसी तरह से जो एक मेडिकल लाइन में लेरी डॉक्टर लेरी ब्रिलियंट रहे हैं जो कि महाराज जी के पास ये लगभग 1970-71 की बात है, तो उनको जो है उसमें चेचक की महामारी फैलती थी तो वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन दो बार वो वहाँ जाके असफल हो चुके थे, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर महाराज जी के पास उन्होंने रहे कुछ समय, छः महीने या तो कुछ समय रहे और तब उन्होंने महाराज जी ने कहा कि आप जाओ वहाँ, अब आपको सफलता मिलेगी और तुम ही चेचक का उन्मूलन करोगे और भारत में भी इस महामारी के लिए तुम इलाज ढूंढोगे। तो वो झिझक रहे थे जाने में WHO के, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे मेरा काम नहीं होगा। तो उन्होंने महाराज ने उनकी जिस स्टाइल में था उन्होंने कहा कह रहे हैं जाओ, तुम हनुमान जी से बोल दिया हमने तुम्हारा काम होगा जाए जाओ, इस तरह उनकी स्टाइल थी जैसा मैं हम समझे बोलने उनकी। तो गए वहाँ पर फिर उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जो उसके ऊपर चेचक उन्मूलन के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया, पूरा विश्व नाम सब मैं समझता हूँ ट्रेनिंग है उनका। और भारत में रहे 10 साल वो और यहाँ भी उन्होंने चेचक का उन्मूलन का यहाँ के डॉक्टर्स के साथ में मिलकर बहुत बड़ा महामारी जो थी उससे बचाव किया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब भारत के अंदर भी जो बड़े बड़े जैसे बिड़ला परिवार है वो उनके मतलब रहे और जो इसकी जो भूमि जो मिली थी केची धाम की 1962 में, उस समय वन जो चौधरी चरण सिंह जी वन मंत्री थे इस समय यहाँ सरकार में, तो उनको जमीन लेने के लिए जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से आग्रह किया, वो खुद वहाँ पर आए थे और ये ज़मीन उनको उन्होंने लीज पे उनको अलॉट की कि ये आप ज़मीन ये आप लीजिए मंदिर बनाइए।